दो शोरूम देखे थे और जो दूसरा वाला था मेरे को एक ही बार में पसंद आ गया था क्योंकि उस वाले शोरूम के अंदर वो काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरी चीज वो जो शोरूम है काफी ज्यादा बढ़िया है, वहां पर एकदम लिफ्ट विफ्ट लगी हुई बढ़िया सी। अब फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, एक तो पहली चीज बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड करेंगे कि हमें हमारी गाड़ियां चोरी ना हो जाए, और दूसरी चीज वो प्रोवाइड करेंगे सीसीटीवी कैमरास, और उसके बाद ना हमें कुछ एक्स्ट्रा लोकेशन भी मिलने वाली है और कंप्यूटर्स भी मिलने वाले हैं जिसे हम ऑनलाइन डील कर सकते हैं। तो मतलब सब कुछ एकदम वो पहले से ही कर दे रहे हैं, बस हमें जाकर उन्हें $5 मिलियन पे करने थे। तो किस आपको पता होगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $2 मिलियन ही थे, तो मैंने क्या करा था लास्ट वाले एपिसोड में, मतलब कि जितने भी बंदे थे जिनकी शॉप्स थी अच्छी अच्छी सभी शॉप्स पे जाकर रोबरी करी थी, उनके लॉकर तोड़ तोड़ के पैसा निकाला था और बंदों के घरों में घुस घुस के भी थोड़ा बहुत पैसा चुराया था। मतलब इसी तरीके से हमने जैसे जैसे छोटी मोटी चोरियां कर करके $5 मिलियन और पांच कह रहा हूँ $6.6 मिलियन हमने इकट्ठे कर लिए थे, जबकि हमें चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ $5 मिलियन। खैर यार जो भी सीन हो बहुत ही खतरनाक था, और यहाँ पर आप मेरा ना गैराज देख पा रहे हो भाई कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। मतलब कि एक बार जब गैराज में तीन तीन सुपर कार्स हो जाए ना तो भाई लुक ही लगा दे, तीन सुपर कार्स ने तीसरी सुपर कार मेरी बाहर खड़ी है। यहाँ पर दो सुपर कार्स है, एक मेरे पास ये ट्रॉन बाइक है जो कि यार बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, इसकी लाइट जलाया था, लाइट जलने के बाद ये और भी ज्यादा बढ़िया लगती है। अभी यहाँ पर ना इसे थोड़ा सा पीछे पार्क करूंगा, यहाँ पर ना ये दिख अच्छी रही है लेकिन इस पर ढंग से बैठ नहीं पा रहे। अभी एक काम करता हूँ लैम्बोर्गिनी में बैठकर चलते हैं, हम लोग शोरूम खरीद लेते हैं, सबसे पहले शोरूम की मतलब पेमेंट कर देता हूँ, मेरे पास पूरे $6 मिलियन पड़े हैं, पहले पेमेंट करेंगे फिर उसके बाद मेरे को जाना अपनी लिमोजिन लेने। हाँ गाइस आपको याद होगा मैंने अपनी लिमोजिन जो रिपेयर होने के लिए दे रखी थी उसी मतलब कि एयरपोर्ट में जो सीक्रेट वेयर हाउस था ना, जो लोग एकदम सीक्रेटली रिपेयर करते कोई भी गाड़ियों को और GPS हटाते हैं, तो उनके पास मैंने रिपेयर होने के लिए दी थी। अभी फिलहाल जो मेरी गाड़ी का GPS था ना वो तो हटा हुआ था, मतलब उसी बंदे ने हटा दिया था, तो मेरे हिसाब से थोड़े से कम पैसे लगने चाहिए जहां तक। एक बार चलकर उससे बात करेंगे, अब लास्ट टाइम मैंने कल रात को उससे बात कर ली थी तो उसने कहा था पैसे जो है काम होने के बाद आपको देने पड़ेंगे और काम होने के बाद ही पता चलेंगे, तो अभी कुछ पता नहीं है भाई वो कितनी डिमांड करते उस लिमोजिन की, क्योंकि यार पहली बात तो प्रेसिडेंट की कार है, दूसरी बात गोल्ड की कार है, तीसरी बात GPS का जो सीन था चलो वो तो खत्म हो गया था उसे हटा दो, पता नहीं यार कितना पैसा लेगा। अभी सबसे पहले चलते हैं अपने शोरूम में, और यहाँ पर ओके तो आप जो बिल्डिंग देख पा रहे हो ना ये मेज बैंक टावर वाली, मेरे को नहीं मेज बैंक टावर वाली शोरूम तो मैंने कैंसिल कर दिया था, मुझे जाना उसके लेफ्ट वाली बिल्डिंग में, जो बड़ी वाली बिल्डिंग आप देख रहे हो इसी में अपना शोरूम है नीचे इसके ग्राउंड फ्लोर में। तो भाई देखो यही होता है पैसा आने के बाद, आप लोग देख पा रहे हो मतलब कि अभी हम लोग कहाँ पर शोरूम लेते थे, पहले तो मैंने अपने घर में बनवा दिया था, लेकिन गाइस अभी पैसा आ चुका है तो हमने इतनी बड़ी बड़ी इतने महंगे महंगे एरिया के बीच में अपना न्यू शोरूम लिया है। अब जाकर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई हम भी एक तगड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। अभी फटाफट मुझे ना इस वाली बिल्डिंग में जाना है, जो आप ब्लैक वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो ना इसके ग्राउंड मतलब कि इसके बेसमेंट में जाना है जहाँ पर हमारा शोरूम है। बाकी तो जगह छोड़ दो भाई, मेरे को लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ मैं, तुम ऐसे चला रहे हो भाई मतलब जैसे रिक्शा हो, इतनी धीरे धीरे चला रहा हूँ भाई, रास्ता ही नहीं छोड़ रहे भाई ये लोग। अभी फिलहाल मुझे आगे से ना ऊपर की तरफ में टर्न लेना है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा यूटर्न लेकर आना पड़ेगा यार, एक भी घंटा रास्ता नहीं यार, पूरा का पूरा बेमतलब यूटर्न लेना पड़ेगा, इससे बड़े तो राइट वाले ब्रिज से आ जाता, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी वहां से। ओके तो शायद से एंट्री यहां से नहीं है, मेरे को आगे से राइट लेना पड़ेगा। बाकी यार जो भी कहो बहुत ज्यादा बढ़िया शोरूम है, आपने देखा ही था वहां पर ना एक फैसिलिटी और थी गाइस जो कि मैंने आपको बताई नहीं, वो लोग ना हमें वो भी दे रहे थे जिससे हम अपनी कार्स को रिपेयर करवा सकते हैं, मतलब कि वहां पर सारा का सारा रिपेयर के लिए टूल्स भी दे रहे थे, मतलब वहां पर अगर हम अपने बंदे रखना चाहें तो अपने बंदे रख सकते हैं, वो लोग हमारी कार भी रिपेयर कर दिया करेंगे, मतलब जो भी है बहुत ज्यादा बढ़िया सीन था भाई, आराम से चलाओ यार। अभी खाली पीली ठुकवा दो सुबह सुबह हमारी गाड़ी, अभी फटाफट यहाँ से लेफ्ट मोड़ते हैं फिर चलते ऊपर की तरफ, और इसके बाद मुझे एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे मेरा कार वो प्लेन खड़ा है, सारी की सारी गाड़ियां भी उसके अंदर खड़ी है। तो गाइस यार एक बार ही ना फटाफट से ये वाला मैं शोरूम खरीद लूँ, इसकी पेमेंट कर दूँ, फिर उसके बाद मैं चलूंगा सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में हमारा कार्गो प्लेन खड़ा है, कार्गो प्लेन से सारी गाड़ियां निकालेंगे और सभी गाड़ियों को ट्रक पर लोड कराएंगे ट्रेलर पर और लेकर चलेंगे, फिर सीधा यहाँ पर शोरूम पर आएंगे, वापस सोरका जाएंगे, और जो भी कार्स खराब होगी उसको रिपेयर भी करवा दूंगा, रिपेयर करवाने के लिए मैं कहीं जाने नहीं वाला, मैं बंदे रखूंगा रिपेयर करवाने वाले। बाकी यहाँ का गेट कहाँ चला गया, चलो यहाँ पर अभी काम चलना शुरू हो गया है, यहाँ पर मैंने बोला था दूसरा गेट लगाओ, ये वाला कच्चा गेट, अभी फिलहाल नीचे चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। तो चलो गाइस अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं नीचे अंडरग्राउंड में आ गया हूँ, अभी फटाफट गाड़ी से निकलते हैं और उसको $5 मिलियन की पेमेंट कर कर आते हैं, और ये जो शोरूम है इसको अपने नाम कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग ऊपर देख पा रहे हो ना कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पूरे भर के लगे हुए, ये देखो एक और लगा हुआ इधर 360 वाला, और यहाँ पर पूरा एकदम मस्त सीन है अंडरग्राउंड में, पूरा का पूरा एकदम AC वगैरह फुल इन्होंने लगा रखे हैं। और गाइस यहाँ पर ये देखो सामने जो बंदा खड़े होकर सफाई कर रहा है, तो इस टाइप की फैसिलिटीज भी लोग देंगे, मतलब की पूरी की पूरी साफ सफाई हमेशा रहेगी यहाँ पर, और लेकिन इनको भी हमें कुछ पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं पे कर देंगे। बाकी अभी यहाँ पर से हमारी जो लिफ्ट है बंद होगी और चलते हैं उसकी तरफ,
तो चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग पहुंच गए और ये यहाँ पर अच्छा अच्छा चलो ठीक है इन्हीं का बंदा है तो यहाँ पर अभी इनको पेमेंट कर देते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपना शोरूम अपने नाम करवा के। तो चलो गाइस अभी टाइम आ चुका है इसको सारी की सारी पेमेंट करने का, यहाँ पर जो भी बात होनी थी सारी हो गई अभी फटाफट से ऑनलाइन मैं इसकी पेमेंट करता हूँ सारी की सारी। यहाँ पर मेरा बैंक का चला गया, एक सेकंड रुक जाए, मैं इस बैंक अभी फटाफट से चेक कर लू। ये देखो यहाँ पर $6 मिलियन है, अभी फटाफट से इसमें से $5 मिलियन से पे कर देते हैं। तो ओके गाइस इस टाइम पर पेमेंट जो सक्सेसफुल हो चुकी है और ये यहाँ पर अपने कंप्यूटर पे चेक कर रहा है, उसके बाद हमारा जो है ये शोरूम हमारे नाम हो जाएगा। और मैं एक बार अपने बैंक में चेक कर लेता हूँ मेरे पास अभी टोटल कितना पैसा बचा हुआ है। ओके तो यहाँ पर 1.6 मिलियन बचा है, चलो गाइस बहुत सही है, अभी काफी सारा पैसा बचा हुआ है। अभी हम लोग निकल लेते हैं अपने घर की तरफ, यहाँ पर जो हमारा काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि अब ये जो शोरूम है हमारे नाम हो गया भाई साहब, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगा बहुत खतरनाक है। तो चलो यार अभी फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और भाई साहब एक ही शीशा कितनी देर तक साफ करेगा भाई, ये बाकी चीजें भी हैं वैसे यार पूरा चमका रखा है इन्होंने, इनको फिर कुछ बोल नहीं सकते भाई, एकदम पूरी साफ सफाई यहाँ पर काफी ज्यादा सच्ची में। अभी फटाफट यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और भाई सच्ची में अगर यहाँ पर अपनी गाड़ी कोई भी हम लेकर आएंगे यहाँ से इस तरीके से अंदर राइट में एंटर हुई कितनी बढ़िया लगी। अभी फिलहाल ये जो लॉक हो रखे हैं ये खुल जाएंगे थोड़े टाइम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ पर आप ये देखो भाई साहब इतना बढ़िया साउंड आ रहा है, एकदम अंडरग्राउंड में तो साउंड एकदम गूंज रहा है। चलो अभी बाहर निकालते हैं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल वहां से बाहर आ चुके और जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं फटाफट से। बाकी अरे भाई साहब आराम से चलो भाई, पार्किंग करने आ रहा है क्या करने आ रहा था वो बंदा, अभी तो मेरे को ठोक ही देता, मैंने तो भगाया सीधा सामने आ गया मेरी आंखों के। अभी फटाफट चलते हैं गाइस, सबसे पहले एयरपोर्ट जाना है, यहाँ पर अपना एयरपोर्ट कहाँ गया। ओके तो यहाँ पर एयरपोर्ट में मेरे को अंदर एंट्री लेनी है तो इसलिए मैं इधर से जाऊंगा, वरना तो मैं नॉर्मल घर से सीधा भगा सकता था। बाकी मुझे यहाँ से राइट मोड़ना आराम से भाई, जो भी है बहुत तगड़ा ही सीन चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर अभी लिमोजिन भी आ जाएगी, सारी की सारी जो सुपर कार्स हम लोग सस्ते प्राइस में वो लाए थे वो भी आ जाएगी। और अगर एक बार वो गाड़ियाँ बिक जाती है ना तो मैं दोबारा से जाऊंगा लिबर्टी सिटी, और लिबर्टी सिटी से जितनी भी सुपर कार्स है लंबोर्गिनी वगैरह होगी ये सब खरीद के लाएंगे। अभी क्योंकि यार थोड़ा बहुत पैसा बिल्कुल ही मतलब सारा ही पैसा खत्म हो जाएगा, अब जैसे मैं लिमोजिन की पेमेंट करूंगा ना भाई उसके बाद समझ लो पैसा बचने नहीं, क्योंकि $1 मिलियन मेरे हिसाब से लगने वाला है लिमोजिन में। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, गोल्ड की हम दे देंगे इतना पैसा, क्योंकि यार उन्होंने ना गेट वगैरह पूरे के पूरे रिपेयर करे। आपको याद होगा हमारी गाड़ी के जो है ना गेट ही टूट टूट के गिर गए थे, तो भाई उन्होंने गेट लगाया सारे के सारे, बोनट लगाया, हुड लगाया, तो उसमें काफी ज्यादा पैसा लग गया, उसके बाद रिपेयर भी करी है। अच्छा हुआ कि जीपीएस का जो सीन था वो गांव वाले बंदे ने फ्री में ही कर दिया, वरना जीपीएस का तो सबसे ज्यादा पैसा लगता। अभी जीपीएस के पैसे मैं नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि जीपीएस जो है उसी गांव वाले बंदे ने रिमूव कर दिया था। तो चलो गाइस बहुत ही बढ़िया सीन हो गया था वैसे तो वहां पर। अभी फटाफट मुझे नीचे लेना था क्योंकि यार मुझे नीचे अंदर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेनी है, ना कि मुझे एयरपोर्ट की प्लेन की टिकट लेने जाना है, तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से। रुक जाओ भाई एक मिनट, रुक जाओ यूटर्न ले लो फिर लगाते रहे। चलो गाइस यहाँ पर आजकल ना लैम्बोर्गिनी बहुत ज्यादा आवाज करने लगी है, या फिर पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं लैम्बोर्गिनी टायर्सो चला रहा हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी लैम्बोर्गिनी से स्लो चल रही है, और ये यहाँ पर हमें ना अंदर एंट्री करने से दिक्कत देगा। एक मिनट रुक जाओ, इसका मत्था फोड़ते, चाहो तो मैं पीछे से भी एंट्री कर लूँ, लेकिन मेरे को ऐसे अबे एक सेकंड जो पंगे लेने कैसे आया है। हाँ क्या हो गया तेरे को, कुछ कह रहा हूँ मैं, अबे भैंस की टांग भाई मेरे मुक्का मारा इसने, तेरी हंसी की तस्वीर मेरे मुक्का मारेगा, निकल यहाँ से फिर भाई मेरे को मुक्का मार रहा। अरे 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 एक मिनट पिस्तल विस्तल नहीं निकल लीजिए, डरा ना अब डर क्या भग रहा है। और यहाँ पर अंदर कौन बैठा हुआ, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं भाई सब ये लोग, ये एक मिनट रुक जाओ साइड हो जाओ। यहाँ पर सारा का सारा ना सर्विसिंग एरिया, मतलब कि एयरपोर्ट में जितना भी सामान यहाँ पर सर्विस होना होता है ना, जैसे ट्रक से कोई सामान किसी दूसरी कंट्री में भेजना है तो वो सारा का सारा ना यहीं से आता है। तो अभी फिलहाल यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हमें ट्रेलर भी मिल जाए। अबे भाई खोलो इसे, अबे क्या अच्छा इनको मैंने मार ही दिया, खोलेगा कौन है अगर बताओ भाई, उन बंदों को मार दिया फिर मैं बोल रहा हूँ खोलेगा कौन। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ट्रक्स तो खड़े हुए हैं, लेकिन यार यहाँ पर कोई भी ट्रेलर नहीं खड़ा, मतलब ट्रेलर से मतलब वाला ट्रक जिसके अंदर अपनी कार लोड करवानी है हमें, तो वो तो यार यहाँ पर खड़ा ही नहीं है। अब अपनी कार हम लोग किसके अंदर लोड करवाएंगे, ना ही मैं बाहर से लेकर आऊँ। चलो कोई बात नहीं, बड़े ढूंढते क्या पता हमें आगे की तरफ में मिल जाए। बाकी इस टाइम पर दोपहर के टाइम पे एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, क्या तुम्हें पता है कि भैया ट्रेलर का है। अरे नीचे उतर के बता भाई, एक सेकंड जो ये कर क्या रहा है भाई, एक गोली चलानी पड़ेगी भाई साहब, ये तो चूड़ में है, इसको देखना कैसे घूर जा रहा है मेरे को, मैंने कुछ बोला था जो घूर रहा है। एक मिनट तेजी भैंस की पड़ तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर गड्डी मिल गई मेरे को इनमें से। अभी फटाफट से सारे भग लिए भाई, मैं जब से आऊँ इतना मेरे को घूरे जा रहा था। तो भाई यार मैं तो बस इनसे ये पूछना चाहता था कि मुझे ये बता दो कि ट्रेलर कहाँ पर मिलेगा, और भाई घूरे जा रहे हैं लोग मेरे को, कोई जवाब वाब दे नहीं रहे।
तो यहाँ पर इसलिए बेचारों को कूट दिया मैंने। बाकी तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी कोई भी ट्रेलर नहीं है। ओ गाइस, मेरे पास एक आइडिया, आपको याद होगा जहाँ पर हमने अपनी लिमोजिन रिपेयर करवाने के लिए दे रखी है वहाँ पर हमने एक ट्रेलर भी उन्हें दिया था और उनके पास भी काफी सारे ट्रेलर थे, मतलब कि वही वाले ट्रक जिसके अंदर व्हीकल्स लोड करवाएंगे, अपने जितने भी गाड़ियां हैं उनको लोड करवाना है तभी तो लेकर चलेंगे अपने नए वाले शोरूम में। तो अभी फटाफट से चलते हैं उस वाले ट्रेलर को लेने। और यहाँ पर भाई साहब प्लेन कितना बड़ा लग रहा है, अपना कार्गो प्लेन अभी फिलहाल ये 2 दिन से यहीं पर पड़ा हुआ है। तो चलो गाइस कुछ नहीं करना अभी, बस हमें पूरी अपनी गाड़ी को जो है पीछे से पूरा घुमा के आगे की तरफ में ले जाना है। और गाइस मुझे ना देखो हर चीज समझ आ गई, एक चीज समझ नहीं आई कि जब मैंने ये प्लेन को मैं वहां से लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस लेकर आया था तो ये जो प्लेन है इतना ज्यादा गंदा क्यों हो गया। क्योंकि आपको याद है मैंने एकदम नॉर्मल उड़ाया था, ऐसा तो नहीं कहीं भेड़ता हुआ लाया हूं या फिर किसी कीचड़ में कुदा दिया, मैं नॉर्मल उस एयरपोर्ट से उड़ाया और सीधा लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट में लाके रख दिया। लेकिन इसकी जो हालत हो रही है ना, ऐसा लग रहा है 5 से 6 साल से इसको किसी ने उड़ाया तक नहीं है। अभी फिलहाल जो भी है अभी मेरे को जाना है सबसे पहले वेयर हाउस के अंदर, मेरे को अपनी लिमोजिन देखने की कितनी रिपेयर हो गई है। बाकी अपने जो लैम्बोर्गिनी है उसको मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को अंदर जाकर देखना है और अपनी लिमोजिन देख लेंगे, फिर अंदर से ट्रेलर ले आएंगे और फिर चलेंगे अपने घर पर वापस, मतलब उस शोरूम में चलेंगे वापस, सारी की सारी गाड़ियों को अंदर स्टोर करवाएंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बाकी ऑनलाइन बिजनेस है तो मुझे नहीं पता एक कितना चलने वाला, कैसे चलने वाला, क्या होगा कुछ नहीं मालूम। अभी फटाफट से अंदर एंटर हो जाते हैं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ, चलते हैं सामने की तरफ और देखते हैं क्या चल रहा है। और गाइस यहाँ पर आज मेरे को वर्कर्स नजर आ रहे हैं, मतलब कि इन लोगों ने तो बोला था कि ये लोग अपना रात में आते काम करने लेकिन ये लोग अपना दिन में बैठे। ओ भाई साहब यहाँ पर इन्होंने मेरी लिमोजिन जो भाई पूरी की पूरी रिपेयर कर दी, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। कल रात को ही मैं इनको बोल कर गया था कि भैया ये वाली गाड़ी जो मेरी रिपेयर करनी है और भाई इन लोगों ने एक ही दिन में एकदम नई करके चमका दी। बाकी लोग अभी फिनिशिंग टच दे रहे हैं और यहाँ पर ये बंदा भी लगा पड़ा पता नहीं क्या कर रहे हैं इंजन में, बंदे भाई पूरा अच्छे से जुटे पड़े हैं, समझ लो 6-7 लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ये तो भैया सारी की सारी वेल्डिंग चल रही है। एक बार ना अपनी गाड़ी अंदर से देखता हूँ अंदर से कैसी लग रही है। अंदर इन्हें लग रहा है लाइटें वगैरह ना अभी लगाई नहीं, नीचे की तरफ में ग्राउंड पे लाइटें लग रही है, काफी सही लग रही है। अभी इनको ज्यादा कुछ करवाना भी नहीं है, स्पीकर वगैरह भी सब कुछ एकदम बढ़िया लगे हुए हैं तो गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई है अभी अपनी। और यहाँ पर ये इनका वो भाई साहब तो सारे के सारे वर्कर आ रखे, नहीं सारे वर्कर नहीं है थोड़े बहुत हैं, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि ये जो इनकी पूरी पूरी टीम है ना भाई इनके पास बहुत सारे बंदे काम करवाने के लिए। बाकी ये लोग अभी यहाँ पर अपना जो है भाई सारे के सारे लगे पड़े हैं सारी गाड़ियां रिपेयर करने में जो भी इनके पास ऑर्डर आई होगी। अभी फटाफट हम लोग यहाँ पर ट्रेलर ढूंढते और निकलते। ओके गाइस तो सामने की तरफ आप लोग देख पा रहे हो ट्रक खड़े हैं, लेकिन 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 गाइस एक प्रॉब्लम होगी यार। तो गाइस यार देखो जितने भी ट्रेलर है ना वो मेरे एकदम सामने खड़े हैं जिनके अंदर हम गाड़ियां लोड करवा सकते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यही है कि एक बार में ना सिर्फ और सिर्फ 6 कार्स लोड होंगी और हमारे पास टोटल 10 कार है। तो यहाँ पर एक तो ना पहली बात इन्हें चलाना इतना मुश्किल होता है, इतने धीरे धीरे चलते हैं। तो मान लो मैं 6 कार लोड करवाऊँ फिर उसे पूरा चला के लॉस सैंटोस के अपने शोरूम में ले जाऊँ, फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा, फिर 4 कार लोड करनी पड़ेगी, फिर से दोबारा शोरूम जाना पड़ेगा। तो ये चीज मैं नहीं चाहता। एक काम करते ना फ्रैंकलिन को लेकर आया था, फ्रैंकलिन में एक साथ ट्रक चलाते हुए चलेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन के घर पर, मेरे हिसाब से ड्राइवर भी फ्रैंकलिन के घर पर ही होगा, तो दोनों को जल्दी से यहाँ पर लेकर आना ताकि काम एकदम आसान हो जाए। सीधा गाड़ियां लोड करवाएंगे और सीधा चलेंगे अपने नए वाले शोरूम में और यहीं पर फ्रैंकलिन और ड्राइवर को भी अपने नए वाला शोरूम दिखा देंगे इसी बहाने। बाकी जो भी यार शोरूम ना अपना सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब बस हाँ यार यही बात है अंडरग्राउंड है, लेकिन यार अभी ना हमें अंडरग्राउंड ही बनाना पड़ेगा क्योंकि अपनी दुश्मनी इतनी ज्यादा है, पुलिस वालों से भी दुश्मनी है, मतलब पुलिस वाले तो देख लेंगे सीधा उठा के जेल में डाल देंगे, बाकी अगर नॉर्मल बंदे देखे तो भाई उनसे भी दुश्मनी है, बाकी डरते बहुत है भाई बंदे हमसे, ये बात तो है। अब बस बेलास गैंग वालों की जो टेंशन थी वो मैक्सिमम मेरी थोड़ी बहुत तो खत्म हो गई है। और यहाँ पर कोई है क्या इसको ऊपर खोल दिया भाई, पहली बार इज्जत मिली है, मतलब कि वरना ना हमेशा वाला गेट में तोड़ के जाता हूँ कोई खोलता ही नहीं है। तो गाइस सर वैसे ना बहुत ज्यादा दिन हो गया मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी शान को ना तेज नहीं भगाया, वो जो एकदम अंधी स्पीड होती है ना उस चीज में भगाया बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन का घर मार्क करते हैं और यहाँ पर जैसे सीधा रोड मिलेगा ना भाई मैं सीधा एकदम टॉप स्पीड ही पकड़वा दूंगा। अब यहाँ पर चाहे कितना भी ट्रैफिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता।